मेडिटेशन के प्रोसेस में थोड़ी देर के लिए उतरते चले आना मौन मुदित भाव में। आप अपने भीतर की ओर जागे जागे रहना। संगीतमय वाइब्रेशंस में सत्संग के ओरा में उतर करके आप अपने भीतर का दीप जलाना। सुरति में स्मृति में रहना, सेल्फ रिमेम्बरेंस में रहना, अपनी ओर लौटते चले आना। बाहर के दोनों पलके मूंदते ही आप अपने भीतर के नेत्र से जुड़ने लगते हैं। आप अपना ध्यान भीतर की ओर बाहर रखना और शिव नेत्र में विराजमान हो जाना। जो देख रहा है वही है वो। भले अंधेरा है, सन्नाटा है, कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंगनेस ऑल ओवर एक्सेप्ट डार्कनेस, स्टिल यू कंटिन्यू योर वॉचिंग। यू सिंपली वॉच, लगातार वही देखना जो दिखाई दे रहा है। अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना, जो स्वतः दिखाई दे रहा है उसी को देखते रहना। ये देखने की एक स्वाभाविक स्थिति बना लेना। मन के प्रति, विचारों के प्रति, अंधेरों के प्रति जागे रहना। निरंतर अपनी सुरती, अपनी होश, अपना जागा, अपनी अवेयरनेस एक्सपैंड करते चले जाना। वर्तमान के पलों में रहना। विचारों की गति जब तक है तब तक तुम जागे जागे देखते रहना। तुम हर पल जागे रहना, अपनी सुरति, अपनी रिमेम्बरेंस कि मैं हूं एकमात्र न्यूट्रल एनर्जी, मैं निष्पक्ष ऊर्जा हूं, मैं केवल दृष्टा साक्षी या कर्ता हूं। अपने स्वभाव में स्थित होकर के जागे जागे रहना। वापिस लौटते चले आना, मन के तमाम बिखराव से वापिस लौटते चले आना। और अगर भाव दशा है, प्रभु प्यास, प्रभु प्रेम उमड़ता है तो उसमें डूबते चले जाना। दोनों ओर से माइंड की क्लांसिंग करना। मन का स्नान बहुत जरूरी है, उसे हृदय से पुकारो तो स्वयं चला आता है। उसके द्वार को खटखटाओ तो वो द्वार खुल जाता है। अगर उसमें प्रेम प्यार मोहब्बत की दस्तक है, परंतु खटखटाने की भी जरूरत नहीं, पुकारने की भी जरूरत नहीं। एक महत्व, तुम अपनी आंख खोलो, वो तो सदा ही विराजमान है, सदा विराजमान है। थोड़ा सा अपना अंधेरा दूर कर लीजिएगा, अर्थात आंख खोल लीजिएगा। जिसको भीतर का अंधेरा, विचार, विकल्प, वृत्तियां अनुभव हो रही हैं, जो दिख रहा है महासूर्य की तरह जगमगा रहा है, जिसके प्रकाश में मन, बुद्धि, इंद्रियां, बॉडी वर्क करता है, वही है तू। तो स्वयं है न्यूट्रल एनर्जी, तो स्वयं है शिव नेत्र। इस शव में शिव का दर्शन बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, इतना पोटेंशियल है। जागे जागे देखते रहना। मेडिटेशन इज नॉट ए हिप्नोटिज्म,
इट्स एन एंटीडोट फॉर हिप्नोटिज्म। नेगेटिव थॉट्स बहुत उठते हैं, आप उनको देखने वाले होना। जितना अधिक इन विचारों से हटते चले आओगे, उतनी विल पावर स्ट्रांग होती चली जाएगी, उतनी ही प्यास की दीवानगी बढ़ती चली जाती है। आप अधिक से अधिक निष्पक्ष ऊर्जा होकर के देखते रहना, आप जाके रहना, कहीं खो न जाना विचारों में, पास्ट और फ्यूचर के खेल में कहीं खो न जाना। ये मन का धूप छाओ, नेगेटिव पॉजिटिव किसी भी हालात में तुम इंडल्ज ना हो जाना, कहीं खो न जाना, पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः वापस लौटना। अनेकों बार खो जाते हैं हम पास्ट या फ्यूचर में, मन के साथ पुनः पुनः चले जाती हैं, आप पुनः पुनः वापस लौटना। वापसी, एकमात्र वापसी अपने स्रोत में, अपने स्वभाव में, अपने ट्रू नेचर में, अपने जागरण में, अपने होश में, अपने सुरती में तुझको मालोमाल करती है, तुझको आनंदित करती है। अधिक से अधिक अवसर देना अपनी थर्ड आई को, जिसे तुमने कभी उपयोगिता में नहीं उतारा, जिसके महत्व में तुम कभी उतरा नहीं। इसको अधिक से अधिक अवसर देना अपने भीतर के अंधेरों को दूर करने के लिए, जागे जागे अपनी ओर रहना। मन के हावीपन को देखते रहना, कितनी विचारों को चारों ओर बादलों की तरह मंडराता है। बहुत सहज में, बहुत सरल साधारण रूप होकर के देखते रहना। तनिक मात्र भी जोर नहीं लगाना, अपनी ओर से कल्पना नहीं करना, कहीं प्रेशर नहीं डालना, दबाव नहीं डालना, यत्न नहीं करना, प्रयास नहीं करना, कोई कोशिश नहीं करना। सहज अवस्था में जो जो हो रहा है आपके समक्ष, जो जो उतर रहा है, उठ रहा है, घटित हो रहा है, तेरे समक्ष जो जो हो रहा है उसको जागे जागे देखते रहना, उसमें लिप्त नहीं होना, हर एक स्थिति का अनुभव लेते चले जाना। कैसे सकून पाऊं तुम्हें देखने के बाद, कैसे मैं चैन पाऊं तुम्हें देखने के बाद, कैसे सकून पाऊं।
नरेन 18 वर्ष के बालक जब बाबा रामकृष्ण के पास पहली बार जाते हैं, वह हाई कोर्ट की लीडिंग एडवोकेट के पुत्र जो बेड रिडन होकर के बाप जो बेड रिडन होकर के मर गए, घर में दो समय का भोजन भी नहीं छोड़ गए, इतना सा भी बैंक बैलेंस नहीं छोड़ गए कि दो समय का भोजन बच्चे करते रहें। तीन भाई हैं, तीन बहनें हैं, दो बहनें शादी में आबाद हैं, तीसरी बहन शादी सफल नहीं हुई, वापस चली आई। तीन भाई हैं, चौथी बहन है, पांचवी माँ है। चाचा ने घर से निकाल दिया है, चाचा ने बिल्कुल ही निकाल दिया घर से, मिजरेबल लाइफ है। एक कमरा किराए पे लेकर के पांचों रहते हैं। बहुत कम नरेन घर आता है, दोस्तों के पास गुजारा करता है रह करके, किंतु एक प्यास है, नानक की तरह कुछ काम नहीं कर पाता, काम में दिल नहीं, चित नहीं लगता, क्योंकि प्यास ने इतना पकड़ा है, दर्द ने इतना पकड़ा है प्रभु, प्यास ने इतना पकड़ा है बाबा को मिलने के पश्चात, वो एक पल के लिए भी घर में टिक नहीं पा रहा। दिन रात दर्द दीवान की प्यास ने, बाबा की प्यास ने, बाबा के प्रेम ने पकड़ा है। वो प्रभु की खोज तलाश, सत्य की खोज व तलाश, अपने आप की खोज और तलाश में क्या डूबा है बालक, और कुछ नहीं होता उससे। और यही गान करता है, यही भाई मंच ने कहा, गुरु अर्जन देव जी के द्वार में पहुंच के यही कहा भाई, लहना ने, लहना तूने लेना ही लेना, मैंने देना ही देना, लहना घर बार एक तरफ रख करके गुरु के द्वार पर क्या गया कि वापस नहीं आया, गुरु नानक देव जी की नजरों पर कुर्बान हो गया। और बरसों बरसों तक सेवा साधना की मूर्ति बनकर के क्या मिटा कि यही आवाज उठाता है, यही आवाज उठाई है नरेन ने, ध्रुव ने, प्रहलाद ने, कैसे सकून पाऊं मेरा राबिया सहजो गार्गी इंदुमती ने, कैसे सकून पाऊं तुम्हें देखने के बाद, कैसे सकून पाऊं अब क्या मैं गीत गाऊं, अब क्या शब्द सुनाऊं तुम्हें देखने के बाद, कैसे सकून पाऊं तुम्हें देखने के बाद, कैसे सकून पाऊं। वाहरे नरेन 18 वर्ष के बालक, लोग कहते हैं पढ़ाई बहुत जरूरी, वो बेचारा प्लस टू भी नहीं, एफएससी फेल, और दुनिया भर के लोग लर्नर्ड, बड़े बड़े विचारक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े फिलोसोफर, गुरु कृपा के वो महान एग्जाम्पल, गुरु कृपा के महान पात्र नरेन की आज लिटरेचर पढ़ता है, आज उसका साहित्य पढ़ते हैं, उसके लेक्चर पढ़ते हैं, उसके मैसेज पढ़ते हैं, और बहुत शांति प्राप्त करते हैं। वो कौन सी पढ़ाई है जिसने सारे विश्व को नाप लिया, वो कौन सा पठन पाठन है जिसने सारी दुनिया को अपना बना लिया, वो कौन सा पठन पाठन है जो सारे आसमान में सितारे की ओर चमका, वो चांद सूरज की तरह चमका, वो कौन सी पढ़ाई है भीतर की। अपने मन को पढ़ लेना, पठन पाठन ये शास्त्र है, वेद उपनिषद है, अपने आप को जान लेना, अपने आप को पहचान लेना, अपनी प्यास दर्द दीवान की परमात्मा के लिए उठाना, अपने भीतर बैठे प्रभु को निहार लेना, ये विद्या, ये प्रज्ञा, ये जागरण, ये होश, ये सुरति भीतर की परम विज्ञान है, सुपर साइंस है, ये स्रोत है तमाम ज्ञान का, विज्ञान का। अगर उसको छू लोगे, उसको टच कर लोगे, उससे जुड़ जाओगे, तो ज्ञानवान, बड़े बड़े ज्ञानवान कुर्बान हो जाएंगे तेरे पे, तेरे पास ज्ञान और प्रज्ञा दोनों साथ साथ लहलहाती हुई हाथ लगेगी। फिर बुकिश नॉलेज नहीं चाहिए, तेरी नॉलेज तेरे भीतर से उठेंगी, तेरे नॉलेज के भंडार खुल जाएंगे, तेरे नॉलेज के स्रोत खुल जाएंगे, रियल नॉलेज चारों ओर छलकेगी। जो जो भी उन्होंने दिया
आज बड़े बड़े लिटरेचर, बड़े बड़े साहित्य, बड़े बड़े ग्रंथ शास्त्र बनकर के तुम्हारे द्वार पर उतर रहे हैं। सारा वेद शास्त्र, उपनिषद, गीता, रामायण, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल, कुरान शरीफ, अंजील, तमाम दुनिया भर के सदग्रंथ और भारतीय संस्कृति के महान ग्रंथ 50,000 साल से भी ज्यादा प्राचीन आज पुनः तुम्हारे द्वार पर पड़े हैं। आज उनके आगे नतमस्तक होते हैं हम। ये सब उतरे हैं केवल मात्र गुरु शिष्य के नाते में, केवल मात्र गुरु शिष्य के प्रेम की रीत में ये उतरे हैं। आह, प्यासे दर्द दीवानों की दुनिया में एक पिलाने वाला दिलदार और एक पीने वाला, प्यासा दीवाना उस मालिक को पी जाने वाला। दो के बीच निकले हैं ये शिष्य और गुरु के परम प्यार मोहब्बत के नगमे में उतरे हैं। सब जो जो उतरा वो जब लिख दिया गया तो वो शास्त्र बन गया, वो जीविंग लिविंग शास्त्रों के भीतर से निकला है। कैसे सकून पा तुम्हें देखने के बाद, ओ बाबा, कैसे सकून पा। वो प्रतिभाशाली बच्चा अगर बाबा के द्वार पर ना आता तो एक फिलोसोफर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर बना होता, किंतु कोई अस्तित्व हाथ ना लगता। बाबा के द्वार पर क्या गया कि सुपर साइंटिस्ट हो गया, बाबा के द्वार पर क्या गया कि विराट होकर के उतरा। कैसे सकून पा, आत्मा तड़पती है अपने विराट से जुड़ने के लिए, अपने बाबा में एक हो जाने के लिए, प्रेम की रीत निभाने में उतरी है। कैसे सकून पा तुम्हें देखने के बाद, कैसे सकून पा तुम्हें देखने के बाद, कैसे सकून पाओ। आवाज दे रही है मेरा अस्तित्व पुकारता है मन के पास, मेरा अस्तित्व मुझे पुकारता है, मेरी जिंदगी मुझे पुकारती है, मन के पार खड़ी है वहां। आवाज दे रही है मेरी जिंदगी मुझे, आवाज दे रही है मेरी जिंदगी मुझे, जाऊं या अब न जाऊं। जाऊं या अब न जाऊं तुम्हें देखने के बाद, जाऊं या अब न जाऊं तुम्हें देखने के बाद, अब क्या मैं शब्द गाऊं, अब मैं क्या गीत गाऊं तुम्हें देख।
बार ऐसे सकून पाओ। कभी का एह तराम भी मेरी नजर में है, भारी मुमताज महल। कभी का एह तराम भी, वाहरी नरेन, वाहरी राबिया। काबी का एह तराम भी मेरी नजर में है, मंदिर की मूर्ति भी मेरी नजर में है, मंदिर की मूर्ति भी मेरी नजर में है, सर किसे जगह झुका, सिर किसे जगह झुका, तुम्हें देखने के बाद सर किसे जगह झुका, तुम्हें देखने के बाद अब क्या मैं गीत गाऊं, वारे नरेंद्र, अब क्या मैं गीत गाऊं, ओ बाबा, अब क्या मैं गीत गाऊं, ओ मेरे वाहेगुरु, ओ मेरे बाबा, अब क्या मैं गीत गाऊं, तुम्हें देखने के बाद कैसे सकून पाऊं, तुम्हें देखने के बाद कैसे सकून पाऊं। किष्किंधा में उतरते ही भगवान राम की पहली झलक, दोनों राजकुमारों की पहली झलक देखते ही हनुमंत लाल जी कुर्बान हो गए। पहली झलक देखते ही जिसकी इंतजार प्रतीक्षा भीतर भीतर बनी हुई थी, उस परम घटना को उतरने की प्यास, इंतजार की घड़ियां गिन रही थी, वो घटित हो गया। जैसे ही पहली झलक देखी, कुर्बान हो गए हनुमंत लाल, वो अपने स्वामी के सेवक हो गए, पहली झलक में ही कुर्बान हो गए, पहली झलक में ही लहना कुर्बान हो गए। लहना तूने लेना ही लेना और मैंने देना ही देना, नानक कहता है। मैं भी आउट ऑफ द ब्रिम बह रहा हूं, मुझे जाना है तेरे पे उतार करके जाना है नरेन। विवेकानंद हुए, हम तुमसे पूछते हैं, गुरु ने नरेन को क्या दिया, कोई आश्रम दिया, कोई भवन दिया,
कोई महंत बनाया, कोई प्रॉपर्टी दिया, कोई जायदाद दिया, क्या दिया नरेन को गुरु बाबा ने, बाबा राम किशन ने, गुरु राम किशन ने क्या दिया? अनमोल दिया, अद्भुत दिया, अद्वितीय दिया, वो संपदा दिया जो बाहर के शिखरों से नहीं मिलती, जो सिकंदर के शिखरों में नहीं, जूलियस सीजर के खजानों में नहीं, दुनिया भर के खजाने जिसको नहीं ले सकते, जिसको नहीं खरीद सकते, वो अनमोल खजाना दिया भीतर का, भीतर की होश, भीतर की सुक्ति, भीतर का जागरण, प्रभु प्रेम और प्यास का आलम जगाया, वह दिया परम संपदा, परम धन दिया, जिसकी कीमत दुनिया के खजाने चुका नहीं सकते। भगवान राम ने हनुमान को क्या दिया, हनुमंत लाल को क्या दिया, अपना आप ही दे दिया। राबिया को उसके मुर्शिद ने क्या दिया, वही दिया जो चारों युगों में उसका नाम जगमगा गया, चारों युगों में। लहना को नानक ने क्या दिया, वो कमाई उड़ेल दिया, भीतर की एकमात्र ध्यान की सुरती की, और क्या दिया, क्या गद्दी नशी, क्या था उस गद्दी में, कौन सी प्रॉपर्टी छिपी थी, बाहर की भीतर की। नजरों में ताबे दीद भी अब कुछ बची नहीं, किसी को देखने की कोई इच्छा ही नहीं रही, तेरी से नजर क्या मिली कि अब दूसरे को देखने की कोई तमन्ना, दीदार की कोई तमन्ना, देखने की कोई तमन्ना ही नहीं रही। नजरों में ताबे दीद भी अब कुछ बची नहीं, नजरों में ताबे दीद भी अब कुछ बची नहीं, किससे नजर मिला, किससे नजर मिला, तुम्हें देखने के बाद किससे नजर मिला, तुम्हें देखने के बाद अब क्या मैं गीत गाऊं, अब क्या शब्द सुनाऊं, अब क्या मैं गीत गाऊं, तुम्हें देखने के बाद कैसे सकूं पाऊं, तुम्हें देखने के बाद कैसे सकूं।